हाय गाइस, दिस इज़ अभिजीत द देसी डॉग फादर। और ये वीर है। वीर के ओनर्स ने हमें बताया कि उसे मज़ल पहनाने में प्रॉब्लम है। वो बहुत चीखता चिल्लाता है। बेसिकली ही डजन वॉन्ट्स टू वेयर द मास्क, मज़ल। तो मज़ल एक ऐसा चीज़ है जो कभी भी किसी भी डॉग को उसके लाइफ में ज़रूरत आ सकती है। तो वी आज हम देखेंगे कि मैं मज़ल कंडीशन कैसे करता हूँ वीर को। तो देखते हैं, आज पहला दिन है जो मज़ल के साथ इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मेरे पास ये मज़ल है, इसको बेस्करविल टाइप मज़ल, या ओरिजिनल बेस्करविल मज़ल तो नहीं है, लेकिन बेस्करविल टाइप मज़ल बोलते हैं। एंड इट्स स्पेसिफिकली यूज इन ट्रेनिंग। इसमें खाना भी दे सकते हैं, मतलब ट्रीट्स डिलीवर कर सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, एंड इवन द डॉग कैन पेंट। तो आइए देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, गुड। उसने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, स्निफ किया, है ना? जस्ट पॉजिटिव एसोसिएशन और कुछ नहीं। गुड, जैसे उसने अपना स्नाउट टच किया यहाँ पे, तो आई मार्क इट गुड। जस्ट होल्ड कीजिए उसके सामने। जैसे ही थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखाता है, मार्क दैट मोमेंट, देन ट्रीट। गुड। बाय एक्सीडेंट भी लग जाता है तो जस्ट ट्रीट, से द वर्ड गुड देन ट्रीट। गुड। आई एम यूजिंग चिकन और बहुत छोटे छोटे पीसेस दे रहा हूँ, सो दैट उसका इंटरेस्ट बना रहे। कीप दैट इन माइंड। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पीसेस देखे और डॉग उसी में एंगेज रह जाता है। हम छोटे इसलिए देते हैं ताकि वो मुंह में जैसे ही डाले वो चला जाए, एंड ही इज़ अगेन इंटरेस्टेड इन यू। तो खैर, वो इतना फूड मोटिवेटेड नहीं है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग चिकन। नॉर्मली मैं इनका डेली फूड जो है वही यूज़ करता हूँ। गुड। गुड। आप कुछ और टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे पॉजिटिव टेक्निक है, बहुत डॉग्स ये कर ही नहीं पाते, पॉजिटिवली ये ले ही नहीं पाएंगे। हु आर नॉट फूड, वो फूड लेंगे ही नहीं। तो देन वी विल हैव टू यूज़ लीस्ट प्रेशर। वो अलग मेथड है, वो किसी दूसरे दिन। सो नाउ आई एम मैं ट्राई करूँगा ये मज़ल के थ्रू डालने के, और देखते हैं वो फूड लेता नहीं। गुड, गुड बॉय, गुड बॉय। जस्ट क्रिएटिंग ए पॉजिटिव एसोसिएशन कि मज़ल बुरा चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ नहीं है। गुड, गुड बॉय, गुड, गुड, गुड बॉय, गुड, गुड। थोड़ा ड्यूरेशन दे रहा हूँ मैं, थोड़े थोड़े करके रिलीज कर रहा हूँ। गुड, गुड बॉय, गुड, देन आई रिलीज इट ऑल। गुड। अभी मैंने उसको ऐसा किया कि अंदर, इसके अंदर मुंह डालना है। गुड। जैसे उसने अंदर मुंह लिया, आई मार्क इट विद अ गुड। उसके बाद बाहर निकाल के आई ट्रीटेड। गुड है ना? टू लेट हिम नो कि यहाँ पे इसका अगर फेस जाता है तो इट्स नॉट अ बैड थिंग बट अ गुड थिंग। गुड। गुड। गुड।
बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए फर्स्ट डे पे, वो थोड़ा भी मूव उसमें थोड़ा भी डाल रहा है, ऐसा नहीं कि मैं एकदम एंड तक उसे ले जाना चाहता हूँ, बट हाँ थोड़ा भी मोटिवेशन दिखा है, मार्केट विद अ गुड एंड ट्रीट। गुड, अभी हम इसके थोड़ा हम पुश करेंगे मजल को, है ना, इसके फेस पे, तो देखते हैं हाउ वी रिएक्ट। अगर वो रिएक्ट करता है नेगेटिवली तो वी विल विदड्रॉ, फिर से 2 स्टेप पीछे, फिर से जस्ट टच, मतलब बेसिकली हम फिर से थोड़ा इजी लेवल पे चले आएंगे, देन धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे। गुड, गुड, डर जाता है वो। गुड, गुड बॉय, गुड। गुड बॉय, मैंने थोड़ा जल्दी ले लिया था, तो जो कि ये फियरफुल डॉग है तो इसके साथ थोड़ा अलग है, वी हैव टू टेक थिंग्स एंड थोड़ा एक्स्ट्रा स्लो। गुड, गुड बॉय, गुड, गुड, गुड बॉय, अभी एक्स्ट्रा ट्रीट कीजिए। नो, गुड, गुड बॉय, गुड। जो कि वो मेरा दूसरा हाथ पीछे ले जाने नहीं दे रहा है, तो सी व्हाट आई एम डूइंग। गुड, जस्ट टच, गुड, गेट हिम यूज्ड टू इट, गुड, गुड, गुड बॉय, है ना, टेक इट स्लो। आपने देखा वो कैसे डर गया था। मैं थोड़े थोड़े करके रिलीज कर रहा हूं। इज कंसर्न क्योंकि मैं हाथ पीछे। गुड, गुड बॉय, ये छूट गया मेरे से। मे बी एक दिन में आपको इतना प्रोग्रेस ना मिले, डोंट पुश इट, मैं थोड़ी देर और ट्राई करूंगा, अगर वो नहीं देता आई वोंट पुश इट, फिर कल बैठेंगे या तो शाम को बैठेंगे, तो सेशन चेंज करते रहे। नो, डाउन, गुड, ये थोड़ा सा फ्रीक आउट हो रहा है, तो मैं थोड़े, गुड, गुड बॉय, फिर स्टेप बैक, है ना, मैं अभी हाथ नहीं दे रहा हूँ पीछे, आई जस्ट वॉन्ट हिम टू नो कि हाँ ये कोई गंदी चीज़ नहीं है। गुड बॉय, गुड, गुड बॉय, तो वील डू मैनी रिपीटेशंस लाइक दिस, और बहुत धीरे जाइए, आई विल शो यू द एंड रिजल्ट एज वेल, लास्ट में ये कैसे एक्सेप्ट करता है, मे बी नॉट टूडे। गुड, गुड बॉय, गुड, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड, गुड बॉय, गुड, गुड, गुड बॉय, गुड,
अभी मैं उसके ईयर्स भी हैंडल कर रहा हूँ एंड ही वॉज ओके। लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ एक स्टेप पहुँच गया तो वो पीछे नहीं जा सकता। ऑफ कोर्स वी डू समथिंग रॉन्ग वो फिर से सहम जाएगा, फिर डर जाएगा, देन विल अगेन हैव टू कम बैक। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि पुश नहीं करना है ना। जितना पुश करेंगे वो अगर डर जाता है तो अगेन वो पीछे हो जाएगा। गुड गुड बॉय, गुड गुड बॉय। जैसे ही मैं वो हटा देता हूँ उसके बाद आई रिलीज द ट्रीट। अभी उस कान का भी ट्राई करता है। डोंट नो इफ आई कैन गेट होल्ड ऑफ दैट। गुड गुड बॉय, गुड गुड बॉय, गुड बॉय। मैं स्लो रिलीज करूंगा, देखते हैं। गुड गुड बॉय, गुड गुड बॉय, गुड गुड बॉय। बहुत कम समय के लिए कीजिए, है ना, पुश मत कीजिए। दिस इज अ वेरी बहुत ही फाइन लाइन होता है। मैं ज़्यादा पुश करूँगा तो ये डर जाएगा, फिर और 20 मिनट का काम बढ़ जाएगा, है ना। तो दैट्स वाई वेरी स्लो, मेक इट रियल प्लेजरेबल फॉर हिम, ताकि उसको एंड मज़ा आए। ऑफकोर्स थोड़ा चैलेंजिंग है उसके लिए, लेकिन हाँ वो हमें ढूंढना है कि वो कहाँ पे। गुड गुड बॉय, गुड लेट्स सी इफ आई कैन क्लिक। गुड गुड बॉय, गुड गुड बॉय, गुड 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 बॉय। गुड गुड बॉय, गुड 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 बॉय, गुड बॉय, गुड 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 बॉय, गुड गुड बॉय। गुड और मैं कर रहा हूँ, बट कीप दैट इन माइंड कि बहुत लंबा सेशन ना हो। गुड, क्योंकि इट इजिली बोर्स द डॉग, वो बोर हो जाता है ना। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड गुड बॉय, गुड गुड बॉय, गुड गुड बॉय, गुड। तो गाइज आज इतना ही रखते हैं। मैंने ये सिर्फ टच किया, मे बी वन मोर सेशन तो हम उसमें ये करेंगे। आई डोंट वॉन्ट हिम टू लूज इंटरेस्ट इन दिस, तो इसीलिए और एक सेशन करेंगे, एक या दो, फिर उसके बाद मैं आपको फाइनल अपडेट भी दूंगा कि हाउ वी डिड दिस। एनीवे, या तो आज के लिए इतना ही था। दिस इज़ हाउ आई ट्रेन डॉग्स फॉर मसल कंडीशनिंग। आप भी घर पे ट्राई करके देखिए, हाई वैल्यू ट्रीट लीजिए एंड डोंट पुश थिंग्स, गो रियल स्लो। एंड या कमेंट इन द सेक्शन, कमेंट बॉक्स कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा ये ट्राई करके। सो टिल देन टेक केयर।
हाय, ये पहले हमने शूट किया था वीर के साथ मसल कंडीशनिंग का, तो ये आज उसका फिफ्थ सिक्स सेशन होगा मसल के साथ हमने जो काम किया। और ईच सेशन अराउंड 5-6 मिनट के होते थे, मतलब जो भी मैंने वो पहले वीडियो में दिखाए, तो आप देखिएगा आज ये फिफ्थ सिक्स सेशन है एंड ही इज़ ऑलमोस्ट मसल कंडीशन, तो हम देखेंगे कैसे वो अलाउ करता है ना। ये जो कि मैंने दिखाया था ये मेरा मंजिल है, तो हम उसे पहनाएंगे। गुड 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 बॉय। और हमें थोड़े से ड्यूरेशन के लिए चाहिए सो दैट द डॉक्टर कैन, वो हमको इसको लेके घुमाना नहीं है ना। गुड, खोल लेंगे एंड देन इफ पॉसिबल अगर ट्रीट ना भी दे तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रीट नहीं दे रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये नेल ट्रिमिंग कैसे करने देता है। गुड, गुड, मतलब देखिए जब नेल ट्रिमिंग करने देता है बोलते हैं तो ही शुडन्ट ब्रिंग हिज फेस टू योर हैंड, है ना। वो कोशिश भी नहीं करना चाहिए, दिस इज सेफ। तो अभी इसको मेनली ग्रूमिंग के लिए या कोई भी वेट चेकअप के लिए मज़ल की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल हम मज़ल कंडीशन कराते हैं ताकि हु नोज़ मैंने लाइक कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। ये देखिए मैं कहीं भी वो कर रहा हूँ उसका फेस सामने नहीं आएगा। गुड एंड आई एम जस्ट रिवॉर्डिंग इट विद अ बबल मार्कर, लेटिंग हिम नो कि हाँ मुझे ये पसंद है। गुड गुड बॉय। और हमारे पास और एक दूसरा मसल है जो वीर के पेरेंट्स ने दिया था। मैं नॉर्मली ये ट्रेनिंग मसल यूज़ करता हूँ, इसको बास्केटबॉल टाइप मसल कहते हैं। ओरिजिनल बास्केटबॉल मसल तो नहीं है बट हाँ इंडिया में अभी यही अवेलेबल है, तो मेरे पास ये है। इसमें क्या आप फूड दे सकते हैं ट्रेन कर सकते करते वक्त, आप अगर पहले का फर्स्ट पार्ट जब देखेंगे तो आप समझ में आएगा आपको कैसे यहाँ से फूड डिलीवर कर सकते हैं। ये बास्केट मसल जो है ये थोड़ा सा इनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ही पैक हो जाता है, मुंह नहीं खोल पाते, दे कांट पैंट टांग आउट नहीं कर पाते, तो बट स्टिल ये इनका है तो मैंने इसमें भी उसको कंडीशन किया है, तो देखते हैं। गुड, जैसे ही उसने मुंह अंदर लिया एंड ही अलाउड यू फॉर दैट, जस्ट मार्क इट विद अ गुड। ये थोड़ी देर रखे दें। गुड, नोप, गुड बॉय, गुड। अगर आप जब शुरू कर रहे हैं तो ऐसे गुड गुड बॉय, और ये रख के वो आपको हाथ पैर टच करने दे, है ना। गुड गुड बॉय, सारे उसमें गुड। कहीं भी इंजेक्शन लगाना हो तो इंजेक्शन लगा सकते हैं। गुड, फुट टच करने दे रहा है, तो दिस इज़ द मेन टारगेट, है ना। इजी, गुड। और अभी जैसे पूरा हो गया है तो लोग बोलते हैं कि अरे आप तो ट्रीट दे रहे हैं इसलिए वो करेगा। अभी देखिए कितना ड्यूरेशन हो गया, उसे पता नहीं मैं ट्रीट दूंगा कि नहीं, है ना। और तीन उसने अलग अलग ये अलाउ कर दिए। जस्ट अ सेकेंड, जी। तो या हिज ऑलमोस्ट कंडीशन, मसल कंडीशन, ग्रूमिंग ही करने देता है। ही अलाउज हिज फुट एंड एवरी अदर बॉडी पार्ट टू बी टच्ड, कान भी साफ करना हो, ये सब पपी में ही करना चाहिए। अगर आपके पपीज हैं तो फिर टच एवरी पोर्शन, टच रिवॉर्ड, टच रिवॉर्ड, टच रिवॉर्ड, है ना। टच कीजिए, गुड। जैसे वो टच करने दे और मुंह अगर उससे नहीं लाया, गुड, देन रिवॉर्ड, देन अगेन टच, गुड, रिवॉर्ड, टच, गुड, रिवॉर्ड। फिर टीथ्स पकड़िए, गुड 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 बॉय। क्योंकि कभी उसके दांत में कुछ फंस गया तो आप यू विल हैव टू बी द फर्स्ट एड, है ना, आपको ही चेक करना पड़ेगा, फिर जाके आप डॉक्टर के पास, वो 1 आधे घंटे 2 घंटे का टाइम लगेगा। तो आई रेकमेंड कि हर एक बॉडी पार्ट छूए, लाइक मैं इसे कहीं भी छूता हूँ, एंड इफ इट ट्राइज टू डिफेंड देन आई विल से द वर्ड नो एंड गिव अ स्लाइट करेक्शन। ये देखिए पूछ भी ट्राई करने देता है एंड ही इज़ नॉट स्केयर्ड, देखिए ही इज़ डूइंग हिज थिंग, है ना। गुड गुड,
तो या दैट्स इट गाइस, अभी मैं इसे एक ट्रीट दे दूंगा। बहुत देर से इसने मुझे बहुत कुछ वो किया है। ट्रीट देने में कोई हर्ज नहीं है। गुड बॉय। एंड इसका बाइटिंग का नो ये अभी भी कभी कोशिश करता है, बट वी जस्ट से द वर्ड नो। जैसे ही उसके दांत टच हुए, से द वर्ड नो एंड फॉलोड बाय करेक्शन। अभी उसको नो का मतलब पता है, उसको करेक्शन का वो पता पड़ गया है, तो वी जस्ट द वर्ड नो काम करता है। लेकिन हाँ, उनके ओनर्स को जब ये यहाँ से घर पे जाएगा, तो पहले उनको दे हैव टू यूज़ द वर्ड नो फॉलोड बाय ए कॉन्सिक्वेंस, अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। गुड। तो या दैट्स इट गाइस, यही दिखाना था। आपके अगर डॉग्स हैं जो मज़ल कंडीशन नहीं है या ग्रूम करने नहीं देते, तो ये टेक्निक अपनाइए एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू आउट। सो या टिल देन, टेक केयर।